आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल केक। तो पाइनएप्पल केक बनाने के लिए लिया है हमने ये 1 कप दही, 1 कप लिए चीनी जिसको हमने पीस लिया है, और ये लिए हमने 1.25 कप मैदा। तो जितना हमने दही लिया है उतना ही हमें चीनी लेनी है पीसी हुई, और हमें उसी बाउल से नाप के मैदा लेनी है। 1.25 बाउल हमने मैदा ले लिए, और 1.5 चम्मच लिया हमने बेकिंग पाउडर, और 1 चम्मच लिया हमने बेकिंग सोडा, और 1 लिया है हमने पाइनएप्पल, और ये लिया है हमने पाइनएप्पल एसेंस। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक बाउल, बाउल में डालना है दही को और इसमें चीनी ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हमने मिक्स कर लिया, इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे एक साइड। तो सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई, हम कढ़ाई में केक बनाएंगे और उसमें डालना है ये नमक, और इसके अंदर रख देंगे एक स्टैंड और इसको ढक के रख देंगे प्री हीट होने के लिए। तो सबसे पहले हमें जिसमें केक बनाना है एक कंटेनर इस तरह से ले लेना है। हम बिल्कुल सिंपल वे में बना रहे हैं कढ़ाई के अंदर, और ये हमने अपने हॉट केस का जो अंदर होता है हॉट केस के अंदर वो निकाल लिया है। तो इसको हम ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं, और इसके ऊपर एक लगा लेना है बटर पेपर, इससे हमारा केक आसानी से निकल जाएगा। इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है बटर पेपर को। तो इसको हमारे 5 मिनट हो चुके हैं रेस्ट होते हुए, तो अब इसमें डालना है मैदा, जो हमने 1.25 कप मैदा लिए। अब इसको एकदम सॉफ्ट हाथ से इसको मिक्स करना है, और अब इसमें डालेंगे हम ये 1 कप रिफाइंड ऑयल। तो ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, तो आप इसकी जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस सरसों का या नारियल का ऑयल यूज ना करें। और अब इसमें डालना है पाइनएप्पल एसेंस 5 ही ड्रॉप्स। तो देखिए हमारा घोल इस तरह का बनके रेडी हुआ है, ये देखिए। अगर आपको लगे ये गाढ़ा है थोड़ा, कि हमारा ना दही के ऊपर डिपेंड होता है कि दही हमारी कई बार गाढ़ी होती है कई बार पतली होती है, तो ये हमारा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अगर आपको लगे ये गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो आप इस कंटेनर में इसको डाल लेना है। तो इसको हमने कंटेनर में डाल लिया है, अब इसको इस तरह से टैप करना है जिससे इसके अंदर एयर ना बने। इधर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, तो अब क्या करना है, अब हमें इसको इसके अंदर रख देना है और लिड लगा देनी है, और अब इसे हमें कम से कम 30 मिनट बाद चेक करना है, और गैस हमें स्लो टू मीडियम रखना है। तो ये हमने पाइनएप्पल काट के तैयार कर लिया है, तो कुछ हमने बड़े पीसेज करने हैं जिसको हम डेकोरेशन के लिए ऊपर रखेंगे, और ये कुछ छोटे पीसेज हैं जिनको हम अंदर लगाएंगे। तो अब क्या करना है, अब हमें लेनी है कढ़ाई और इसमें डालना है 1/2 बाउल चीनी, और डालना है 1/2 लीटर पानी, और हमने इस कढ़ाई को गैस ऑन करके गैस के ऊपर रख दिया है, और इसमें डालना है अब पाइनएप्पल। ये सारा पाइनएप्पल हमें एक साथ बॉईल करना है। तो ये पाइनएप्पल भी हमारे बॉईल आ चुका है, तो अब हमें इसे 5 मिनट और इसी तरह से बॉईल करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पाइनएप्पल बॉइल्ड हो चुका है, तो अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो 25 मिनट हो चुके हैं, हम केक को चेक कर लेते हैं। तो एक लेनी है टूथपिक और उसको इस तरह से डाल के, ये देखिए अभी हमारा केक चिपक रहा है, अभी हमारा केक रेडी नहीं हुआ है, तो 5 मिनट और हम
इसको रखे रहने देते गैस के ऊपर। तो ये पाइनएप्पल हमारा नॉर्मल हो चुका है, इसको अब हम छान लेते हैं। तो पाइनएप्पल को हमने छान लिया है, तो ये हमारा शुगर सिरप भी काम आ जाएगा। और ये पाइनएप्पल हमारा बॉइल हो चुका है, ये 5 मिनट हो चुके हैं। हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आई है। तो ये हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। तो इस टाइम हम कर देंगे गैस को बंद और इसको इसी तरह से 5 मिनट हम ढके रहने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम केक को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इस केक को एकदम नॉर्मल हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। और इसके ऊपर से ये बटर पेपर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा केक काफी स्पॉन्जी बना है। तो इसको एक साइड कर देते हैं। अब हम इसके लिए हम व्हिप क्रीम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी जो व्हिप क्रीम होती है, हमें ये फ्रीजर के अंदर रखनी होती है। तो हमने ये 2 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल के रख दी। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो इसमें से हम ये 1 कप क्रीम ले लेंगे। तो आइए इसको व्हिप कर लेते हैं। तो 2 मिनट हमें इसको स्लो स्पीड पे रखना है, उसके बाद हम हाई स्पीड पे कर लेंगे। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी व्हिप क्रीम इस तरह से बनके रेडी हुई है। तो क्या होता है कि ये जो मैंने व्हिप क्रीम ली है, इसके अंदर शुगर होता है, एक होती है जिसमें शुगर नहीं होता है। तो हमें जिसमें शुगर नहीं होता है, इस टाइम हमें शुगर डालनी होती है इसके अंदर। तो अब हमें 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम हाई स्पीड पे कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए हमारी व्हिप क्रीम बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और हम इस बाउल को उल्टा करेंगे तो ये इससे नीचे गिरेगी भी नहीं। तो ये परफेक्ट बनके रेडी हुई है, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से नाइफ लेना है और इसके 2 पार्ट्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक केक स्टैंड लेना है, उस पर लगानी है थोड़ी सी क्रीम। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास केक स्टैंड नहीं होता है ये वाला, तो हम केक को कैसे सजाएं। तो हमें क्या लेना है, 1 लेनी थाली और 1 लेनी बाउल, और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इस तरह से क्रीम यहाँ लगा के और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसको यूज करना है। और हम इस तरह से भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए केक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक नीचे वाली लेयर, और जो हमने पाइनएप्पल से शुगर सिरप बनाया है उसको हमें इसके ऊपर लगाना है। और आप लगानी है इसके ऊपर व्हिप क्रीम। हमने जो छोटे छोटे पीसेस करे थे पाइनएप्पल के, वो हमें लगाने इस तरह बीच में। और अब ऊपर से थोड़ी सी लगानी है क्रीम। अब लगानी है ऊपर वाली लेयर केक की। तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जिससे शुगर सिरप हमारा अच्छे से अंदर जाए। तो अब डालना है इसके ऊपर शुगर सिरप। तो अब लगानी है इसके ऊपर व्हिप क्रीम। Thank you.
तो आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे डेकोरेट कर सकते हैं केक को। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने बर्थडे स्पेशल ये केक बनाया है। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम इस केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, उसके बाद हम कट करके आपको दिखाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, हमने अपने केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, तो अब कट कर लेते हैं।